बदायूं में हुए रेप कांड को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। इस संबंध में आंगनबाड़ी संघ की बहराइच जिलाध्यक्ष सुनीता आर्य ने कहा कि बदायूं में हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बलात्कार के बाद हत्या हुई है, इसीलिए आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। उनकी मांग है कि सरकार ने पीड़िता के परिजनों को 12 लाख की है। उन्होंने 12 लाख के दिखा 50 लाख रुपए पीड़ित के परिजनों को देने की मांग की। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो और आरोपी को पकड़ा जाए। क्या नाम है? आज आप लोग ने कर्नल मार्ग जुलूस निकाला है, किन बातों को लेकर के निकाला है? बदायूं में जो हमारी बहन के साथ में निर्मम हत्या किया गया, रेप किया गया, उसी निंदा के लिए हम लोग आए हैं यहाँ धरना पर। और जो उनको कम अनुदान देने के लिए बात किए हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं कि उनको 50 लाख रुपया दिया जाए और श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च शांति से निकाले हैं। अगर आप और अगर लोगों हम लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो हम लोग धरना भी करेंगे, अनशन पर भी बैठेंगे, जो भी कुछ हो कम हो। हमसे कम क्या? एक लोग ने कैंडल मार्च जुलूस निकाला है, किस बात को लेकर सर? हम लोगों ने कैंडल मार्च जुलूस जो निकाला वो बदायूं जो गैंग रेप हुआ है महिला के साथ, हमारे विभाग की वो सहायता थी, एक महिला के साथ इस तरीके से कांड होने के बाद उसकी हत्या कर दी जाए, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है दुनिया में। और सरकार उस पर तवज्जो तो कर रही है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो 12 लाख रुपया देने का बात किया है उस पर हमारी एक मांग है कि उसको 12 लाख की जगह 50 लाख रुपया दिया जाए और जो दोषी लोग हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। आपकी मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे का कार्यक्रम हम लोग बैठक करके जो भी निश्चित करना होगा, अनशन पे या धरना जो भी करना होगा वो हम करेंगे।